एक जिला एक उत्पाद योजना की कामयाबी के लिए योगी सरकार ने इनकी खामियां दूर करने पर अमल शुरू कर दिया है। इसके लिए सरकार के बड़े अफसर ODOP योजना को लेकर निर्माताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। कन्नौज में आज अपर सचिव एक जिला एक उत्पाद योजना की कामयाबी के लिए योगी सरकार इनकी खामियों को दूर करने पर अमल कर रही है। इसके लिए सरकार के बड़े अफसर ODOP योजना को लेकर निर्माताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। कन्नौज में आज अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने इत्र निर्माताओं के साथ मैराथन बैठक की। बैठक में उन्होंने इत्र के विदेशी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की योगी सरकार की योजना को साझा किया। ACS ने इत्र पार्क का निर्माण भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कन्नौज के कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचे अपर मुख्य सचिव MSME तथा निर्यात प्रोत्साहन नवनीत सहगल ने इत्र निर्माताओं के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि इत्र की विदेशी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार निर्माताओं को अपने खर्च पर विदेश भेजेगी। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमारा जो एक जनपद एक उत्पाद का प्रोडक्ट है यहाँ का कन्नौज का अतर, इसके उद्योग के जो उद्यमी हैं उनसे वार्ता करने और यहाँ पर इस कन्नौज के इत्र को और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसकी जो निर्यात है, जो इसका एक उत्पादन है और कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसके बारे में एक जो उद्यमियों से हम लोग चर्चा करने आए थे। कन्नौज में इत्र परफ्यूम पार्क एक बनना है, उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके उसमें क्या समस्याएं आई हैं उसके बारे में बात करने आए थे। तो आज जो चर्चा हुई है उसके हिसाब से UP SEDA ने ये बताया कि वो 15 नवंबर तक पार्क जो है वो कंप्लीट कर देंगे। उद्यमियों से बात हुई क्योंकि वहाँ अलॉटमेंट प्रोसीजर होना है। इसके अलावा एक जनपद एक उत्पाद योजना में कोई कॉमन फैसिलिटीज़ जो उपलब्ध कराई जा सकती हैं, जो तकनीक में उद्यमियों को मदद चाहिए, जो रॉ मटेरियल में कच्चे माल की उपलब्धता में उद्यमियों को मदद चाहिए, उस सब के बारे में खुफिया विस्तार से चर्चा हुई है। और हमारा प्रयास है कि जो निर्यात यहाँ का हो रहा है कन्नौज से इत्र का, उसको कई गुना बढ़ाया जाए, एक लक्ष्य हमने सबने मिलकर आज रखा है और उस तरफ काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को $1 trillion इकॉनमी तक पहुँचाने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक संकल्प है, जिस पर पूरी सरकार काम कर रही है, उसी के क्रम में ये बैठकें हमारी हो रही हैं, जिसमें कि निर्यात कैसे बढ़ाया जाए, उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए और किस प्रकार से इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था जो कि अतर पर निर्भर करती है और बेहतर कैसे हो, किसानों को कैसे इसका लाभ मिले, इसके लिए हम सर इत्र पार्क कितने एकड़ में बनने वाला है और क्या विशेष रहेगा इसमें? अभी तो फर्स्ट फेज है वो लगभग 50 एकड़ पर है, वो सेकंड फेज और आगे बढ़ेगा। कोशिश करेंगे सबको समायोजित करें और जो भी विश्व स्तरीय सुविधाएँ हैं तकनीक की वो उनको वहाँ। सर निर्यात नीति में कुछ बदलाव होगा? निर्यात नीति हमने अभी हम नए लाए हैं, जिसमें कि हमने यहाँ उद्यमियों को भी बताया है कि अगर वो किसी विदेश में एग्जीबिशन में प्रदर्शनी में भाग लेना चाहते हैं तो सरकार उनके आने जाने का किराया और उनको उपलब्ध कराएगी और वहाँ अगर फीस देनी पड़ती है पार्टिसिपेशन की वो फीस भी देगी। इसके अलावा सैंपल भेजने हैं उसका भी पूरा खर्चा सरकार उठाती है। इसके अलावा निर्यात में पर टन जो है फ्रेट के लिए भी सरकार का अनुदान दिया जाता है। उन सबको सभी उद्यमियों को बताएं, सब लोग मिलकर एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। सर कन्नौज के इत्र उद्योग में एक भारत श्रेष्ठ भारत की अलग नज़र आती है, क्योंकि चारों तरफ से पूरे हिंदुस्तान से जड़ी बूटी आती है, फूल आती है, तो कुछ ऐसा कन्नौज के किसानों के लिए भी यहाँ पर एक धरातल पे हो जाए, यहाँ पर बाहर ना जाना पड़े व्यापारियों को। CMAP एक संस्था है जिसको हम लोग अब इन्वॉल्व कर रहे हैं और वो यहाँ आके रिसर्च करेंगे। हमने FFDC से भी कहा है कि वो जो उत्पाद बाहर से आ रहे हैं वो अगर स्थानीय उत्पाद उगाए